देश भर में विनस फोगाट के कारण कुश्ती एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। इसी कड़ी में हमारे साथ मध्य प्रदेश की उभरती हुई खिलाड़ी कुश्ती खिलाड़ी शिवानी पवार हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं शिवानी, पिछले दिनों आपका एक बयान आया था विनस फोगाट के कारण आप दुखी है, क्या कारण है? सर, मेरा ऐसा कोई बयान नहीं था कि मैं विनेश के कारण दुखी हूँ। हाँ, थोड़ा सा नियमों को लेकर हम थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि नियम के अनुसार जो WFIA और IOA ने जो नियम निकाला था उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन के बाद एक ट्रायल होनी थी, फाइनल ट्रायल। तो उस ट्रायल का हमें बहुत इंतज़ार था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 50 kg की रेसलर हूँ और विनेश 53 की है। इतना ड्रॉप करने के बाद लड़ना पॉसिबल एक बार नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ी, बहुत अच्छा लड़ी। उन्होंने बहुत वर्ल्ड चैम्पियन को हराया और ओलंपिक में फाइनल में जाने वाली पहली महिला बनी। पर अनफॉर्चुनेटली उनका वेट नहीं आने की वजह से वो जो डिस्क्वालीफाई हुई, ये एक बहुत दुख की बात है। हर खिलाड़ी के लिए बहुत दुख की बात है। हम चाहते हैं कि उन्हें मेडल मिले, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। एक उनके पास सारी हुई अचीवमेंट है, गेम्स की, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियन और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो एक ओलंपिक जो उनका सपना है उससे ज़रूर उनको मेडल देना चाहिए। और दरअसल हमारे ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन ट्रायल से हमारे साथ जो भी चीज़ हुई थी उसके उसको देखते हुए WFIA और IOA ने दोबारा ट्रायल कराने का एक जो निर्णय लिया था, वो निर्णय आखिरी मौके पे आके बदल दिया गया। बस एक वही एक दुख की बात थी, जिससे हमारा भी सपना था पेरिस में जाने का मेरा, तो वो टूटा। बस ये एक प्रॉब्लम थी। क्या कारण रहता है कि इतना टफ कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो और एंड टाइम पे जो गाइडलाइन है वो आड़े आ जाती है? कुछ बदलाव होने की उम्मीद? सर, बदलाव होने की उम्मीद, अब बदलाव होने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ओलंपिक तो जा चुका है, जो होना था वो हो चुका है। पर हाँ, ये है कि हम अभी आगे 2024-28 के ओलंपिक के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मेरी तो सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट से थोड़ी सी ये है कि प्लीज़ आप ऐसे एथलीट को सपोर्ट करें जो ओलंपिक में मेडल लेने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि हमारे MP से सिर्फ 3 ही लोग ओलंपिक में जा पाए थे। तो हमारा छिंदवाड़ा, मतलब हमारा MP इतना बड़ा है, तो सिर्फ 3 खिलाड़ी तो जाना बहुत वो है। कम से कम अच्छे लेवल पे खिलाड़ी हमारे निकलने चाहिए ओलंपिक के लिए और गेम्स के लिए। तो गवर्नमेंट से यही है कि आप थोड़ा सा और सपोर्ट करें और कुछ स्कीमें निकालें, मिशन ओलंपिक या मिशन एक्सीलेंस की, जिसके तहत खिलाड़ियों को वो काफ़ी सपोर्ट हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, जिस तरह के विनेश और जो भी हमारे बड़े रेसलर हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी करना चाहती हूँ। पर वही है कि उसके लिए सपोर्ट नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से, हमारे गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारे जैसे खिलाड़ियों को आगे आके सपोर्ट करें। क्या शिवानी, एक और कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरह से लड़कों को कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है, तमाम तरह की सुविधा दी जाती है, कई लड़कियों को कहीं ना वही उन चीज़ों से वंचित किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स सबके लिए सेम सिस्टम है। फेडरेशन होगी, गवर्नमेंट होगी, जो ओलंपिक के लेवल के लिए तैयारी करवाती है, वो सबके लिए बराबर है, लड़का लड़की। वैसे भी हमारा जो 24 ओलंपिक था, इसमें मैन और वुमेन इक्वलिटी के लिए कराया गया था, उसमें बराबर लड़के और बराबर लड़कियों ने पार्टिसिपेशन किया था, तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है। कई पछतावा हो रहा है, एक तरफ विनेश भी पिछड़ गई, दूसरी तरफ आप भी उस कंपटीशन के लिए तैयारी, आप भी पिछड़ गए। हाँ, पछतावा तो हो रहा है कि अगर शायद मैं जाती तो हमारा मेडल अभी हमारे हाथ में होता। पर विनेश का जाने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम दुख नहीं है, मुझे बहुत खुशी है कि उसने इतना वेट कम करके इस लेवल पे परफॉर्मेंस देना और ऊपर से इतना सब कुछ एंड टाइम पे 100 ग्राम वजन के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, और भगवान उन्हें जल्दी से जल्दी इस ट्रोमा से बाहर निकाले। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी ओलंपिक संघ से कि उन्हें सिल्वर मेडल भी दिया जाए। लेकिन एक यह भी कारण रहा कि उनको जिस तरह से हटाया गया, उसके कारण उन्होंने संन्यास, कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी, कहीं दुखद है खिलाड़ी के लिए? हाँ सर, ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि विनेश जो है हर कंपटीशन में मेडल लेके आती हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत नेगेटिव चीज़ है कि हमारे देश के अच्छे रेसलर्स अगर ऐसे, अभी पिछले टाइम साक्षी ने संन्यास ले लिया, अभी विनेश ले लेगी, तो ये चीज़ हमारे देश के आने वाले खेलों के लिए थोड़ी गलत है। कहीं आपको भी ऐसा कंपटीशन में कहीं कभी फेस करना पड़ा इस तरह इन चीज़ों से आपको भी? नहीं सर, मुझे इस तरीके का कभी फेस करना नहीं पड़ा है, क्योंकि दरअसल मेरा एग्जैक्ट 50 kg वेट रहता है, मैं ज़्यादा ऊपर मेरा वेट जाता नहीं है, तो मुझे अपने वेट लाने में बहुत इजी है मेरे लिए वेट लाना अपना। आगे क्या रहेगा आपका, किस लेवल पे जाना चाहते हैं? मेरा भी सपना 2028 का ओलंपिक है, उसमें मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाना चाहती हूँ और आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल लाना, ये मेरा ही सपना है, यही मेरा ड्रीम है। यदि हमारे साथ शिवानी पवार, जिनका कहना था कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक बार ओलंपिक खेलूं। फिलहाल विनस फोगाट के साथ इनकी भी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।